आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हिमाचल कैबिनेट की बैठक आयोजित हुई। बैठक में 15 सितंबर तक राज्य में प्रवेश करने वाले लोगों का पंजीकरण जारी रहेगा। बैठक में 10 सितंबर से राज्य में बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों को खोलने का भी फैसला लिया गया है। साथ ही भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग इस संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करेगा। बैठक में कोविड-19 से प्रभावित लोगों के लिए क्वारंटीन अवधि को 14 दिन से घटाकर 10 दिन करने का भी फैसला लिया गया है। जिला प्रशासन अपने संबंधित क्षेत्रों में लोगों द्वारा मास्क तथा सामाजिक दूरी की अनुपालना सख्ती से सुनिश्चित करेंगे। मंत्रिमंडल ने आवासीय एवं शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार और राज्य सरकार के बीच वहन योग्य किराए के आवासीय परिसर योजना से संबंधित समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने का आग्रह करने का फैसला लिया है। इससे शहरी प्रवासियों और गरीबों को वहन योग्य किराए के आवास के सतत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में सहायता मिलेगी और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत सबको आवास उपलब्ध करवाने का लक्ष्य हासिल करने में भी मदद मिलेगी। कैबिनेट ने गरीबी रेखा से ऊपर के आय प्रदाता उपभोक्ताओं को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कणक, आटा और चावल पूर्व निर्धारित TPL दरों पर उपलब्ध करवाने और दालें, खाद्य तेल, नमक और चीनी बिना अनुदान के वास्तविक दरों पर उपलब्ध करवाने का भी फैसला लिया है। सरकार ने उपकोषागार के प्रबंधन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 5 पदों के सृजन के साथ ही कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा में उपकोषागार खोलने की अपनी स्वीकृति दे दी है। साथ ही जिला मंडी की तहसील थनाग में बागाचनोगी में उप तहसील खोलने की सहमति दे दी है, जिसमें विभिन्न श्रेणियों के 12 पदों को सृजन किया गया है। नई गठित उप तहसील में शावा, कलहिणी, कलीपर, शिल्लीबाबी, शिवाखड और जनशिला 6 पटवार वृत्त होंगे। कैबिनेट को क्षेत्र की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मंडी जिले की तहसील थना के तहत पटवार वृत्त जनशिला खोलने के लिए भी अपनी अनुमति दे दी है। दूसरी ओर पंचायती राज विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 10 पदों को भरने का भी निर्णय लिया है।